चलिए, आज मैं एज संबंधित प्रश्न ले रहा हूँ। पिछले दिनों भी हमने कई सारे वीडियो आपको दे रखा है, हो सके तो सभी वीडियो को भी देखिए। और उन वीडियोज में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे, छोटा छोटा वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट थॉट मिल जाएगा। और इसके अलावा यूट्यूब लाइव पे हम 7 PM पर डे आ रहे हैं, एक्सेप्ट संडे, उन वीडियोज़ को भी देखिए। इस वीडियोज में हम एज संबंधित प्रश्न ले रहे हैं, उम्र, आयु, उम्र, एज रिलेटेड प्रश्न, एज संबंधित। यह ध्यान देना है कि यदि दो व्यक्तियों की उम्र के बारे में पूछे जाए तो एक्स वर्ष पहले हो या एक्स वर्ष बाद हो या वाई वर्ष बाद हो, लेकिन ऑलवेज प्रत्येक दो व्यक्ति की उम्र का अंतर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। दोनों के उम्र में परिवर्तन हो जाएंगे भी तो होंगे तो साथ साथ होंगे। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी है, अभी उनकी उम्र ए और बी के रूप में व्यक्त कर लें तो एक्स वर्ष के बाद ए प्लस एक्स हो जाएगा और बी में बी प्लस एक्स हो जाएगा। तो दोनों का एक समान रूप से बढ़ेगा या घटेगा भी तो दोनों का एक समान रूप से घटेगा। और ऐसे प्रश्न को आप अनुपात समानुपात के रूप में भी आप क्विक बना सकते हैं, बिना रफ किए हुए बना सकते हैं। चलिए, इस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात सेवन इज टू टू है, 10 वर्षों बाद इनके उम्र का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, पहले 7:2 और फिर 10 वर्ष के बाद हो जाएगा 9:4। तो यदि अनुपात समानुपात से बनाते हैं ना, तो एज डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब अनुपात का भी अंतर कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, 7 जो था पिता का वो हो गया 9, पुत्र का जो 2 था वो हो गया 4। तो दोनों में कितना कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो देखिए, इसका सोल्यूशन बड़ी इजी वे में रफ किए बगैर कर सकते थे। आप ऐसे लिख लीजिए, पिता पुत्र लिख दीजिए, वर्तमान 7:2, 10 जोड़ दीजिए इसमें भी और इसमें भी 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9:4। अब देखिए, 7 से 9 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। और 2 से भी 4 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यानी 9 - 7 अनुपात 9 - 7 ये बराबर है अनुपात 4 - 2।
यानी अनुपात दो जो है किसके कारण है, 10 वर्षों के कारण। तो ये अनुपात दो हो गया 10 वर्ष। तो पूछा गया है वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, तो वर्तमान में जो पुत्र का अनुपात माने हैं क्या माने हैं, दो है ना, इसलिए हो गया पुत्र का आयु 10 वर्ष। इसलिए वर्तमान में पुत्र की आयु जो आप दे रखे हैं कितना, अनुपात दो के रूप में, बराबर अनुपात दो, तो ये 10 वर्ष। वही पिता का पूछा जाता तो अनुपात 7 करते, तो 2 को जब 10 करेंगे, 2 को 10 कहेंगे, 5 गुना यानी, तो 7 को क्या कहेंगे, 7 × 5 = 35 वर्ष कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब बात उठती है कि यदि ये बराबर नहीं रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में बराबर तो करना ही होगा आपको, तो क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है ना उसको इसमें गुना कर लेंगे, और दूसरे का जो डिफरेंस है उसको पहले में गुना कर लेंगे, तब बराबर हो जाएगा। चलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन ले ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात माने 9:2 है। बारह वर्षों बाद इनके उम्र का अनुपात 19:2 57:22 हो जाएगा। तो वर्तमान में
पिता की उम्र क्या है? देखिए इसी पैटर्न से बनाते हैं। वर्तमान में दे दिए पिता और पुत्र का, 9:2 प्लस 12, 12 वर्ष बाद है, बाद है तो प्लस साइन लिखिएगा, वही पहले रहेगा तो माइनस लिखेंगे। 57:22 हो जा रहा है। तो देखिए 9 से 57 हो जाना, तो ये 48 बढ़ गया और 2 से 22 तो केवल 20 बढ़ा, तो एक समान नहीं ना बढ़ा। तो एज डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए अब ये जो डिफरेंस है ना उसको इसमें गुणा कर दीजिए, इसका उसमें कर दीजिएगा ना, तो अब एज डिफरेंस अनुपातिक डिफरेंस एक समान हो जाएगा। तो देखिए इसमें गुणा कर लीजिएगा 57 - 22 से, और इसमें गुणा कर लीजिएगा 9 - 2 से। देखिए अब आप 9:2 को 57 और 22 का क्या डिफरेंस हो गया उससे गुणा करते हैं, यानी 9:2 को गुणा करना है हमें, ये हो गया डिफरेंस, 7 से 5 गया 2 गया 5 और 5 से 2 गया 3, 35 से गुणा करना है। इसको करते हैं 57 को 5 से, यानी 57:22 को 5 से करते हैं गुणा, सॉरी 7 से करते हैं गुणा। तो देखिए 35 गुने 9 हो गया, 9 × 5 = 45 और 9 × 27 और 4 = 31 = 70। ये हो गया 7 × 7 = 49 और 7 × 5 = 35, 4 = 39, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15। डिफरेंस देखिए 339 और 315 में, 99 और 315 में डिफरेंस, 9 से 5 घटाइएगा 4, फिर 9 से 1 घटाइएगा तो 8, और ये देखिए 4 0 4, 15 से 7 घटाइएगा 84, दोनों बराबर आ गया ना। ये जो 84 वर्ष है किसके वजह से, 12 वर्ष के, तो अनुपात 84 बराबर, अब चूंकि अनुपात 84 बराबर है 12 साल, इसलिए अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 12/84 वर्ष, यानी 1/7 वर्ष। अब हमें लाना किसका है, वर्तमान में पिता की उम्र है। तो देखिए ये जो करके लाए हैं उसको अब मानिएगा, ये नहीं कि फिर 9 वाला मान लीजिएगा, इसलिए वर्तमान में पिता की उम्र में, पिता की उम्र बराबर अनुपात 315 है, बराबर हो जाएगा 315 × 1/7, ठीक है 7 से काट दीजिए, 7 × 48 और 3 × 5, 7 × 5 = 35, ठीक है 45 वर्ष हो गया। ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी दो पॉइंट्स लिए भी हम लोगों ने, जब एज डिफरेंस अनुपात का फर्क अलग अलग रहे तो आपस में के डिफरेंस को गुणा कर लेना है, यानी पहले वाले डिफरेंस को दूसरा में या दूसरे वाले का डिफरेंस को पहला में कर लीजिएगा, तो अनुपातिक डिफरेंस बराबर हो जाएगा।
ठीक है, यदि ऑलरेडी बराबर है पहले से तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। बिन्नी की उम्र की वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय के उसकी शादी के समय शादी के समय के उम्र की वन होल 2/7 गुनी है या गुना है। यदि उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई हो तथा वर्तमान में उसे 8 वर्ष उसे 7 वर्ष का एक पुत्र हो तो उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान उम्र का कितना गुना होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, 1/2 2/7, इसको आप ब्रेक करते हैं तो 9/7 हो गया, क्या? तो उसके शादी के समय के उम्र का इतना गुना है, तो ये हो गया शादी के समय का, शादी के समय का अनुपात, और ये हो गया वर्तमान में। अब बताइए 7 से 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया?
अनुपात दो बढ़ गया ना, क्योंकि 9-7 बराबर है अनुपात दो, किसके वजह से 8 वर्ष पहले हुई थी, तो अनुपात दो बराबर 8 वर्ष, ठीक है, यानी अनुपात 1 बराबर 4 वर्ष, तो वर्तमान उम्र का कितना गुना होगा, पहले तो उनका वर्तमान उम्र निकाल लीजिए, वर्तमान उम्र कितना अनुपात है, 9 है, इसलिए बिन्नी का वर्तमान उम्र बराबर अनुपात 9 बराबर 9 × 4 36 वर्ष, ठीक है, और इस समय जब उनकी उम्र 36 वर्ष है तो उनका पुत्र एक है कितने वर्ष का, 7 वर्ष का, तो उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान उम्र का कितना गुना होगा, तो किसका पूछा गया है, पुत्र की आयु, यानी 7 है तो 7 जो होगा 36 का कितना गुना होगा, तो 7/36 गुना है ना, इसलिए पुत्र की आयु दिया हुआ है 7 वर्ष और बिन्नी का उम्र हो गया 36। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान उम्र का, उम्र का मतलब 36 का कितना गुना, व्हाट टाइम्स बराबर 7, यानी इसलिए 36 का मतलब गुना, कितना गुना बराबर 7, ये दिया हुआ है ना, इसलिए वाट बराबर क्या हो गया, 7/36, ये हो गया आंसर, ये ध्यान दीजिएगा, का मतलब गुना होता है ना, तो देखिए वर्तमान उम्र का यानी 36 का कितना गुना, 36 का कितना गुना, कितना मतलब वाट मान लिए बराबर 7 होता है, तो वाट बराबर कितना हो गया, 7/36 गुना हो गया, क्लियर। चलिए इस छोटे से वीडियो में हमने ये संबंधित 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिए, आप इसी तरह से बनाएंगे ना तो रफ करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे डिटेल में बनाएंगे तो यही बहुत सारा हो जाएगा, आप रफ नहीं भी कर सकते थे इसको, देखिए 9/7 दो फर्क हो गया 8 के कारण, तो 7/28 हो जाता शादी समय, और 9/36 हो गया, अभी वर्तमान में 36 हो गया, उनका बेटा 7 है, 7 साल का है, तो 7/36 गुना हो गया, सिंपल चीज, या बिन्नी का उम्र होता बेटा से कितना गुना, तो 36/7 गुना कर लेते, सिंपल है, क्या पूछा गया इस पर कंसंट्रेट करना है ना, ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके।